हाय गाइस, मेरा नाम है तेज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक वर्ल्ड पर। दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच किया है या फिर एक आप एंड्रॉयड यूजर हैं और आईफोन में स्विच करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आता है कि आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल का डाटा है वो आप आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र करें। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाट्सएप है, फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, वो सभी आपको एंड्रॉयड से आईफोन में चाहिए। उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, क्योंकि आजकल आपका स्मार्टफोन आपकी लाइफ की ज़रूरत बन चुका है। बहुत से लोग तो एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करना इसलिए डिले करते रहते हैं क्योंकि उनके लिए उनका डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, इसलिए आप एंड्रॉयड से आईओएस में इतना ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डाटा जितना कि आप आईफोन से आईफोन या फिर एंड्रॉयड से एंड्रॉयड में कर सकते हैं। दोनों का फाइल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और ऐप स्टोर भी डिफरेंट है। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको क्लियरली ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती हैं चीज़ें कि आप क्या ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे ट्रांसफ़र, और जो आप नहीं कर पाएंगे एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफ़र डाटा, उसको आप कैसे, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आपके इन्हीं सभी सवालों का समाधान ढूंढने के लिए मैंने आपके लिए दो वीडियो बनाई है। तो आज की जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कि मूव टू आईओएस ऐप की सहायता से आप एंड्रॉयड फ़ोन से अपने आईफोन में डाटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास में आपका एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, मान लीजिए आपने एक्सचेंज में दे दिया है या फिर पहले ही आपको सेल आउट कर दिया है एंड्रॉयड मोबाइल को, तो उसका डाटा आप आईफोन में कैसे स्विच कर सकते हैं बिना मूव टू आईओएस ऐप की सहायता से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं मूव टू आईओएस ऐप की सहायता से आप एंड्रॉयड फ़ोन का डाटा अपने आईफोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मूव टू आईओएस ऐप के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। अभी लेटेस्ट जो आईओएस 15 वर्जन आया है उसमें कई फीचर भी इसमें ऐड हुए हैं। पहले इसमें कस्टम फाइल्स एडिशन का फीचर नहीं था, वो भी अब आ गया है। आप अपने फोटोज़ वीडियोज़ के अलावा जो आपकी फाइल्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हैं या कोई और स्कैन फाइल्स हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं मूव टू आईओएस ऐप में। मूव टू आईओएस में आप मैसेजेस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गूगल अकाउंट वो आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, कैमरा रोल की जो फ़ोटोज़ हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल में वो आईफोन के फ़ोटोज़ ऐप में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। डिस्प्ले और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, ये डिपेंड करता है मोबाइल टू मोबाइल, हो सकता है आपकी कुछ सेटिंग्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएँ, कुछ ना हो। और ऐड फाइल, ये फीचर से आप कस्टम फाइल्स भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नहीं मिलेंगे, जैसे व्हाट्सएप आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, कॉल हिस्ट्री यहाँ पे आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ऐप की लिस्ट यहाँ शो नहीं हो रही है, लेकिन आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो भी ऐप लिस्ट है वो फ्री ऐप्स हैं, वो आपके आईफोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो फ्री ऐप्स आपके एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड हो जाएंगे आपके आईफोन में। तो मूव टू आईओएस ऐप यूज़ करने के लिए आपके दोनों मोबाइल आपके पास होने चाहिए। आप दोनों को फुल्ली चार्ज कर लीजिए या फिर चार्जर में लगा लीजिए। दोस्तों, मूव टू आईओएस ऐप का यूज़ करने के लिए पहले आपको अपने आईफोन को रीसेट करना पड़ेगा। अगर आपने अपना आईफोन जस्ट परचेज़ किया है और कोई सेटअप नहीं किया, तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्टार्टिंग से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि आईफोन को रीसेट कैसे करना है। उसके लिए आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाइए, फिर जनरल में जाइए। आप जनरल में जाके आपको जाना है, नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन, यहाँ पर टच करिए। इसके बाद यहाँ ऑप्शन है आपको रीसेट और रीसेट ऑल सेटिंग, ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, रीसेट ऑल कंटेंट्स एंड सेटिंग्स। अब आपको ये ऑप्शन मिल गया है इरेज फ़ोन का, तो यहाँ से टच करके आप इरेज कर सकते हैं फ़ोन को। अब ये आपका फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो रहा है, इरेज हो रहा है, इसका सारा कंटेंट यहाँ पर डिलीट हो रहा है। दोस्तों, अब आपका फ़ोन रीसेट होकर दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, तो ये वाली स्क्रीन आ गई हेलो, जो कि आपकी सेम स्क्रीन है जब आप नया आईफोन अपना ओपन करते हैं बॉक्स में से और उसको टर्न ऑन करते हैं तो सेम स्क्रीन आती है। तो स्वाइप अप करते हैं इसको ऑन करने के लिए। अब इसको कुछ सेटअप आपको करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, रीजन इंडिया सेलेक्ट कर लिया जैसे मैंने। इसके बाद ये कुछ टाइम लग रहा है सेटिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है क्विक स्टार्ट, ये ऑप्शन उसके लिए है अगर आपको आईफोन से आईफोन डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो अभी हमें चूज़ नहीं करना है ऑप्शन, अभी हमें जाना है सेटअप मैनुअली। यहाँ पर अब कुछ ये ऑप्शन आ रहा है स्पोकिंग लैंग्वेज, रिटर्न लैंग्वेजेस, इंग्लिश है, ओके, कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कोई वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिए, बेटर है आप 5G GHz वाला वाईफाई नेटवर्क यहाँ कनेक्ट कर लें ज़्यादा स्पीड के लिए। अब मेरा वाईफाई नेटवर्क यहाँ कनेक्ट हो गया है, अभी कुछ टाइम लग रहा है इसको एक्टिवेट होने में फ़ोन को, इट मे टेक सम टाइम टू एक्टिवेट योर फ़ोन।
अब ये वाली स्क्रीन आ गई, डाटा एंड प्राइवेसी कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद फेस आई डी, इसको स्किप लेटर कर दीजिए, सेटअप लेटर। यहाँ पे आप कोई पासकोड बना लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं 123456 बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना लिया एक शॉर्ट पासवर्ड जस्ट फॉर डेमो पर्पज़ के लिए। ये वाली स्क्रीन अब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रिस्टोर फ्रॉम आई क्लाउड बैकअप, रिस्टोर फ्रॉम मैक और पीसी, ट्रांसफ़र डायरेक्टली फ्रॉम आईफोन और मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड। तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है यहाँ पे, मूव डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड, अपने मूव टू आईओएस ऐप की सहायता से एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब ये स्क्रीन आ जाए तो आपको अपना वाईफाई का राउटर टर्न ऑफ कर देना है, जिससे कि ये वाईफाई से कनेक्ट ना रहे आपका आईफोन। और आपका एंड्रॉयड मोबाइल भी डाटा से भले ही कनेक्ट है, लेकिन इसका वाईफाई ऑन होना चाहिए, और इसका मतलब कि ये किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार रिटर्न ट्रायल किया, जब मुझे पता चला कि मेरा बार बार ये वाईफाई राउटर से कनेक्ट हो जाता था, तो जो कि प्राइवेट नेटवर्क ये आईफोन क्रिएट करता है इन दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए वाईफाई का, वो हो नहीं पा रहा था। तो इसलिए ये मेरा काफ़ी टाइम लग रहा था। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस स्क्रीन पर जब पहुँचते हैं तो वाईफाई राउटर आपका टर्न ऑफ कर दीजिए, आपका फ़ोन का वाईफाई टर्न ऑन रहेगा और एंड्रॉयड मोबाइल का, और डाटा टर्न ऑन रखिए। उसके बाद में अब आपको मूव टू डाटा फ्रॉम एंड्रॉयड स्क्रीन सेलेक्ट करनी है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे कोड जनरेट हो गया, ये कोड आपको मूव टू आईओएस ऐप में एंटर करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में। तो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में मूव टू आईओएस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ये वाली ऐप है मूव टू आईओएस ऐप, ये मैंने पहले इंस्टॉल की हुई है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर दीजिए, एग्री, ऑटोमेटिकली सेंड, कंटिन्यू। अब ये वाला कोड जो आपका आईफोन में दिखाई दे रहा है वो आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एंटर करना है। तो मैं इस कोड को एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक प्राइवेट नेटवर्क यहाँ पे शो हो गएगा, यहाँ पे कनेक्ट टू ए डिवाइस। तो ये कुछ समथिंग आईओएस सम डिवाइस करेक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये ऑप्शन आपके मोबाइल में नहीं आया तो आप एक बार मोबाइल को अपने एंड्रॉयड मोबाइल को रिस्टार्ट कर सकते हैं और दोबारा से यही स्टेप आप दोहरा सकते हैं जो कि अभी मैं दिखा रहा हूँ। अब कनेक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच में एक प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो गया है, इसमें आपके राउटर की ज़रूरत नहीं है, दोनों के बीच में जो वाईफाई नेटवर्क है उसी से ही ये डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब आपको वो स्क्रीन मिल जाएगी, नेक्स्ट स्क्रीन, जिसमें आप क्या क्या डाटा अपने एंड्रॉयड मोबाइल से आईओएस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब ये वाली स्क्रीन आ गई, यहाँ देख सकते हैं आपको मैसेजेज हैं, कॉन्टैक्ट्स है, गूगल अकाउंट है, कैमरा रोल है, डिस्प्ले सेटिंग है, एक्सेसिबिलिटी है, ये सब फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैसेजेस मैंने यहाँ टिक कर लिया, कॉन्टैक्ट्स मैं यहाँ टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्टैक्ट ऑलरेडी मेरे गूगल अकाउंट में सिंक हैं, और ये वाले वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि आपके लोकल अगर आईफोन लोकल अगर एंड्रॉयड की स्टोरेज में सेव हैं। वैसे अगर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे कॉन्टैक्ट, तो आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे उसके, अगर आप गूगल अकाउंट में सिंक करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर अनटिक कर रहा हूँ। कैमरा रोल यहाँ पे आपका दिखा रहा है, जो गैलरी में जितनी फोटोज़ वीडियोज़ हैं उनका डाटा 7.2 GB अराउंड है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका आईफोन 64 GB का या स्टोरेज कम है और आपका यहाँ फोटो और स्टोरेज दिखा रहा है 100 GB या बहुत ज़्यादा, तो आपका ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में आप मैनुअली लैपटॉप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर पेन ड्राइव से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप जो बड़े साइज़ की फाइल्स या वीडियो वो आप कैसे कॉपी करके रह सकते हैं या फिर उसमें सेलेक्टेड कैसे आप कॉपी कर सकते हैं बाद में आईफोन में। तो फिलहाल मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा ट्रांसफ़र करने में। इसके बाद डिस्प्ले सेटिंग है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग है। तो आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है या फिर जो भी फॉन्ट का साइज है या फिर एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपका डार्क मोड वगैरह है, ये सब आपका इसमें एंड्रॉयड से आईफोन में भी स्विच हो जाएगा। इसके लिए आपका एंड्रॉयड वर्जन 10 या उससे हायर होना चाहिए। अब इसमें एक और फीचर यहाँ गया है, अब आ गया है आपके लिए, जो कि iOS 15 के बाद आया है, ऐड फाइल्स। पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब सेलेक्टेड ऐड फाइल्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जैसे यहाँ पे टैप करता हूँ ऐड फाइल, तो ये फाइल मैनेजर खुल जाता है एंड्रॉयड फ़ोन का। तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो भी फोल्डर है या फाइल्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी आप एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो आपके आईफोन के फाइल मैनेजर में वो सारी फाइल्स चली जाएंगी। और दूसरा है जो आपके फ़ोटो जो और वीडियो जो सेलेक्ट करेंगे वो आईफोन की फ़ोटो ऐप में सेव हो जाएंगी। तो एग्जांपल फॉर मैं डेमो के लिए एक यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फाइल सेलेक्ट करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
ये वाला फोल्डर में सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अब ये सेलेक्ट कर लिया, मैसेजेस कर लिए हैं, गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, डिस्प्ले सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी और फाइल्स को सेलेक्ट कर लिए हैं आपके डेमो के लिए। गूगल अकाउंट में क्या होगा, जस्ट आपका जीमेल का जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे चला जाएगा आपके एंड्रॉयड आईफोन मोबाइल में। बाद में आपको वहाँ पे लॉगिन करने के लिए पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन आपने इनेबल कर रखा है तो। टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप की भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो मैं आपसे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अब इसमें कुछ टाइम लगेगा, ये प्रिपेयर करेगा डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना अमाउंट का डाटा है, अगर बहुत ज़्यादा जीबीज में तो उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा, और कम डाटा है तो जल्दी हो सकता है। जो ये मूव टू आईओएस ऐप का फंक्शन है डाटा माइग्रेट करने के लिए, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसकी बजाय आप मैनुअली जो डाटा ट्रांसफ़र करेंगे मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैनुअली आप कैसे डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डाटा ट्रांसफ़र होना चालू हो गया है, थोड़ा टाइम लगा उसमें प्रिपेयरिंग में। अब यहाँ पे यहाँ टाइम रिमेनिंग भी दिखा रहा है 18 मिनट से, तो ये 18 मिनट के आसपास में मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब आपका ट्रांसफ़र कम्प्लीट हो जाएगा तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसमें एंड्रॉयड मोबाइल में तो आपको दिखा रहा है कि योर डाटा हैज़ बीन कॉपीड टू योर न्यू आईओएस डिवाइस, और इसका आईओएस में आपका जो आईफोन में दिखा रहा है ट्रांसफ़र कम्प्लीट। तो ये ट्रांसफ़र कम्प्लीट हो गया, लेकिन काफ़ी इसमें टाइम लगा और काफ़ी बगी है। तो ये वाला मूव टू आईओएस ऐप इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, एप्पल को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो अब इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, सेटिंग अप योर आईफोन। इसके बाद में यहाँ एप्पल आईडी आपको चाहिए, तो यहाँ पे एप्पल आईडी आप या तो बना लीजिए, आपके पास नहीं है तो या ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एप्पल आईडी एंटर कर देता हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए आपको राउटर यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा, तो मैं अपना राउटर यहाँ पे ऑन कर देता हूँ क्योंकि वाईफाई नेटवर्क चाहिए इसको एप्पल आईडी को कंफर्म करने के लिए। अब ये वाली स्क्रीन आपके आईफोन पर आ गई है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। आई क्लाउड आई की चैन अगर आपको सेटअप करना तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको डोंट यूज़ कर दीजिए। सीरी सेटअप लेटर कर दीजिए। वेलकम टू न्यू आईफोन। तो अभी आपका आईफोन सेटअप हो चुका है। अब इसमें ये ऑप्शन आ रहा है, देखिए कि डू यू वांट टू ऐड योर एंड्रॉयड डिवाइस ऐप्स फ्रॉम ऐप स्टोर। तो अब आप जो भी ऐप हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल में वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इस बटन को, इस ऑप्शन को चूज करके। तो ऐड ऐप मैं करता हूँ, तो आपकी जो ऐप्स हैं वो अब यहाँ पे इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगी एप्पल ऐप स्टोर से। अब देखिए आपकी ऐप्स इंस्टॉल होना चालू की हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल हो गए, ट्रू कलर इंस्टॉल होना चालू हो गई, दूसरी ऐप इंस्टॉल होना चालू हो गई है। तो ये आपकी अब ऐप सारी जितनी भी एंड्रॉयड मोबाइल में ऐप्स थी फ्री वाली ऐप्स वो इसमें अब आ जाएंगी आपकी। ये देखिए ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं सारी आपकी। अब आप मैसेजेस देख सकते हैं, यहाँ पे मैसेजेस भी मेरे आ गए हैं, जितने मेरे मैसेज थे आईफोन के एंड्रॉयड के वो भी इसमें आ गए हैं। आप तो मैसेजेस आ गए हैं आपकी ऐप्स आपकी इंस्टॉल हो जाएंगी फ्री वाली ऐप्स से। पेड ऐप्स आपको वापस से ख़रीदनी पड़ेगी, आप ऐप डेवलपर से बात करनी पड़ेगी। और अगर इसमें आगे जाके देखते हैं तो आपका जो फाइल मैनेजर में बता रहा था, तो आप देख सकते हैं ये फाइल मैनेजर है। इसमें जो मैंने कस्टम फाइल्स चूज़ की थी कैम स्कैनर की और कुछ डॉक्यूमेंट की फाइल्स, वो भी इसमें आ गई हैं। तो आपका ये अब इस तरीके से सेटअप हो जाता है। अब मैं अकाउंट्स आपको बता देता हूँ। जो अकाउंट्स आप जाएंगे तो आपके अकाउंट्स जो गूगल अकाउंट थे वो भी इसमें आ गए हैं। तो अब आप गूगल अकाउंट पर टैप करेंगे तो यहाँ आपके ऑप्शन है मेल कॉन्टैक्ट कैलेंडर, तो ये भी आप सिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पासवर्ड डाल के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा अपने अकाउंट को। तो इसको मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे आपको वापस से अपने ईमेल का पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा। बस एक तरीके से ये गूगल अकाउंट है आपका, जीमेल का जो अकाउंट है यहाँ लिस्ट हो जाता है, लेकिन आपको वापस से ऐड तो करना ही पड़ता है। तो आपकी ऐप्स आ गई, मैसेजेस आ गए हैं, और जो फाइल कस्टम फाइल्स है वो भी आ गई हैं। अगर मैं फ़ोटोज़ वहाँ चूज़ करता गैलरी में तो वो फ़ोटोज़ भी आपके आ जाती। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप मूव टू आईओएस ऐप की सहायता से अपने एंड्रॉयड फ़ोन का डाटा आईफोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर इसके लिए आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आप मूव टू आईओएस ऐप का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस ऐप में आपने देखा डाटा ट्रांसफ़र तो हो जाता है, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ये काफ़ी बगी है। इसमें कई सारे बग्स है, बीच में आपका नेटवर्क डिसकनेक्ट हो जाता है, या फिर कई बार ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाटा ट्रांसफ़र होने में। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं
आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअली डाटा ट्रांसफ़र करें, वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।